नमस्कार, श्री मुक्त फूड्स में आपका स्वागत है। आज हम कुरकुरी भिंडी बना सामग्री है लाल सूखी मिर्ची 3, दालचीनी के कुछ छोटे पीस, 2 इलायची छोटी, लौंग 4 और 1/4 टीस्पून साबुत काली मिर्ची, नमक, थोड़ा सा हींग, हल्दी, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया, सौंफ 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मेथी दाना और अमचूर और भिंडी। आइए अब हम कुरकुरी भिंडी बनाएंगे। उसके लिए मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले हम जीरा, साबुत धनिया, सौंफ और मेथी दाना हमने 1/1 टी स्पून ली है। सब चीजें इसको हल्का भूंजना है हमें। हमने हल्का भूंज लिया है। अब इसको निकाल लेंगे। अब ये ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक हम लाल मिर्ची डालेंगे इसमें। इलायची, दालचीनी, काली मिर्ची और लौंग इसको भूनेंगे। अभी सारे चीजें भून गई है। अब हम इकट्ठा इनको पीस लेंगे। इन सब चीजों को हम पीस लेंगे। आप मिर्ची जितना आप टेस्ट में चाहें उतना आप मिर्ची डालें। हमने ये मसाला पीस लिया है। आप इसमें अपने खटाई के अनुसार आप डाल सकते हैं। आप टेस्ट अनुसार नमक इस तरह से आप मिला के इसे भिंडी में आप रिफाइंड तेल 1 चम्मच डालकर और भर सकते हैं बीच में, और भरवा भिंडी भी बना सकते हैं। इसमें आप मावा भी डाल सकते हैं। मावा नहीं तो आप दूध की मलाई थोड़ी मिलाकर और भिंडी में भर के आप भरवा भिंडी भी बना सकते हैं। अब कुरकुरी भिंडी के लिए हम सबसे पहले इनको तलेंगे। अब ये इस तरह से हमें तल के निकालनी है। हम इसमें हल्दी मिलाएंगे। आप इस मसाले को एयरटाइट डब्बे में बंद करके महीना भर के लिए भी आप रख सकते हैं। जब पुलाव में डाल सकते हैं, भरवा सब्जी बनाओ तब आप उसमें भर के बना सकते हैं। अब इसमें हम हींग डालेंगे। भिंडी डालेंगे। थोड़ा इसमें मसाला डाल देंगे। ये हमारी कुरकुरी भिंडी तैयार हो गई है। हमें तेल 1 टीस्पून तेल लेना है बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम तेल में इसको तल चुके होते हैं। हमारी कुरकुरी भिंडी तैयार हो गई है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।